ठेकेदार ने अधिशासी अभियंता पर लगाया 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार पर लगाया मानकों के अनुरूप कार्य न करने का आरोप। ठेकेदार और अधिशासी अभियंता आमने सामने, आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल गुरुवार को पौड़ी जिले के पाबो क्षेत्र का सुशील जोशी नाम का एक ठेकेदार जल निगम कार्यालय श्रीनगर में अपनी पेमेंट लेने के लिए पहुंचा। यहां जल निगम के अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार को किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस देखते ही देखते गाली गलौज और तूतू मैमे तक पहुंच गई, जिसके बाद जल निगम के अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार को कमरे में बंद कर बाहर से ताला मार दिया। इस बीच जब पुलिस कार्यालय पहुंची तो तब ठेकेदार को कमरे से बाहर निकाला गया। इस दौरान दोनों में एक दूसरे को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा था। ठेकेदार का कहना था कि उसने जल निगम द्वारा एक कार्य लिया था जिसका निर्माण कार्य 6 महीने पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन अधिशासी अभियंता पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर अधिशासी अभियंता का कहना है कि ठेकेदार द्वारा मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। जिस जगह तक पानी पहुंचाना था वहां तक ठेकेदार द्वारा पानी नहीं पहुंचाया गया और ठेकेदार प्रधान द्वारा अनापत्ति पत्र लेकर पेमेंट रिलीज करने की बात कह रहा है। पहले आप दोनों पक्षों की बात सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर ठेकेदार सीधे DM के पास क्यों पहुँच गए। बंदी रखा, क्या कारण था? बंदी इसलिए रखा था कि मैं अपने पेमेंट के लिए गया था, करीबन 6 महीने से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा पेमेंट करें, लेकिन इन्होंने जो है हर बार जो है टलाया कि हम नहीं करेंगे पेमेंट किसी भी कीमत में, नहीं करने की, तुम जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। तो मैं पेमेंट के लिए आया था, इन्होंने फिर कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद करने के बाद 1 घंटे मैं भीतर रहा। अब इन्होंने थाने में फ़ोन किया तो हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं रुका। इन्होंने एक पंप के अगेंस्ट मेरे एडवांस पेमेंट किया था, वो पंप 6 महीने पहले लग चुका है, उसका पैसा मांग रहा हूँ मैं। और ये बोल रहे हैं कि जो एडवांस कर रखा है उसकी FIR दर्ज करेंगे हम, तुम्हें जो है हम जो है बंद करवाते हैं। तो मैंने कहा बंद करवा, जब मैंने पेमेंट का अगेंस्ट चेक पंप लगा रखा है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे अधिकारियों ने बंद कर दिया? अधिकारियों ने, RC मिश्रा है जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन्होंने जो है कमरे में ताला लगा करके और मुझे जो है 1 घंटे तक कमरे में रखा। अच्छा, इस संबंध में आप कुछ शिकायत दर्ज कराएंगे पुलिस में? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इनकी दादागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये सुनील जोशी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे, ये हमारे पास बिडोली सोलर पंपिंग में काम कर रहे थे और इनका जो है 22,88,000 का एक बॉन्ड सोलर पंपिंग का, उसमें 150 मीटर हाइट तक इनको पानी पहुंचाना था। इन्होंने कुछ काम किया उसमें, उसके बाद जब सोलर पंप इंस्टॉल करना था तो उसके लिए ये मानक के अनुसार पंप इन्होंने नहीं लगाया, वो 150 मीटर की जगह जो है 120 मीटर तक ही जो है पानी दे रहा है, तो वो हमारे स्वीकार योग्य नहीं है। तो ये 120 मीटर हाइट तक पानी पहुंचाने का प्रमाण पत्र जो है प्रधान से, ग्राम प्रधान से यहाँ पे ले आए और दबाव डाल रहे थे कि मैं तो प्रमाण पत्र ले आए हूँ, मुझे पेमेंट करो। तो अब जब 150 मीटर का हमारा अनुबंध गठित है तो 120 मीटर का हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, यही मैं ठेकेदार को समझा रहा था और ये जो है इस बात पे अड़े रहे, बदतमीजी करने लग गए कि मुझे, मैं तो प्रमाण पत्र ले आया, काम मैंने पूरा कर दिया, मुझे भुगतान करो। तो उसके लिए मैं, जब मैंने मना किया तो ये गुस्से में आ गए, गाली गलौज करने लगे यहाँ पे। तो फिर मैं उठ के यहाँ से बाहर चला गया, मैंने थाने को फ़ोन किया और इनको जो है तब तक कमरे में मैंने बंद करके रखा कि जब ये हल्ला ज़्यादा कर रहे थे तो मैंने कमरे में बंद कर दिया इनको। जब थाने वाला आया तब जाके उन्होंने खुलवाया इसको, तब भी जो है ये वही बदतमीजी थाने के लोगों के सामने कर रहे थे। अब पूरे मामले को लेकर जहां अधिशासी अभियंता जल निगम श्रीनगर ने पुलिस में ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो वहीं ठेकेदार ने पौड़ी जिलाधिकारी से मिलकर अधिशासी अभियंता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ठेकेदार का आरोप है कि उक्त कार्य के लिए अधिशासी अभियंता उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था, उनके विरोध करने के बाद विभाग द्वारा पेमेंट रोक दिया गया। पूरी खबर को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं एक घंटे बंद करके इन्होंने मुझे कमरे में, ये है मेरा पेमेंट अगर नहीं हुआ आज, मैं आप
दूसरी चीज बताइए कि अभी आपको एक घंटे तक बंद भी रखा, क्या कारण था? बंद इसलिए रखा था कि मैं अपने पेमेंट के लिए गया था, करीबन छः महीने से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा पेमेंट करें, लेकिन इन्होंने जो है हर बार जो है टलाया कि हम नहीं करेंगे पेमेंट किसी भी कीमत में, नहीं करने की, तुम जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। तो मैं पेमेंट के लिए आया था, इन्होंने फिर कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद करने के बाद एक घंटे मैं बिता रहा, अब इन्होंने थाने में फ़ोन किया, तो हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं रुका। इन्होंने एक पंप के